ये इतना ही जाना है, काम कर रहे हैं लगातार। ये देखो होंगे आप, ये देख रहे हैं आप भाई साहब यहाँ से तोड़ रहे हैं। इससे काफी है, कभी इधर भी आ सकता है। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बाजार में हूँ। बाजार में बोले तो आप ये देख पा रहे होंगे जो ये दीवाल है, ये महिला हॉस्पिटल की दीवाल है। यहाँ से आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ और यहाँ की एक्टिविटी दिखाता हूँ कि अब यहाँ पर कितना काम हो गया। दिवाली खत्म हो गई, दिवाली के बाद अब क्या हो रहा है यहाँ, किस तरह से एक्टिविटी हो रही है, सारा कुछ बताते हैं। बने रहना चैनल में, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक कमेंट जरूर करना, बने रहना पूरे। अब लगभग ये नए साल तक आप बने रहना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होनी है, बहुत सारा यहाँ पर विकास काम होना है। तो सब आपको हम यहाँ से वीडियो के माध्यम से दिखाते आएंगे और आपको जागरूक भी करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो अभी हम लोग हैं महिला हॉस्पिटल के ठीक बाहर है। यहाँ पर जो दीवाल है इसमें पेंटिंग यहाँ पर चल रही है। हमारे भाई साहब है, पेंटिंग कर रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? अर्शद। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? ये रेस्टिक हो रहा है सर। अच्छा, क्या चीज हो रहा है? रेस्टिक। क्या बोलते हैं इसको? रेस्टिक बोलते हैं, सिले विले नहीं आती, इस पे काई वही नहीं होती। अच्छा, तो अब यह पहला कोट हो गया है? ये जी पहला कोट हो गया है। अच्छा, अब ये दूसरा कोट हो रहा है जी। ये किस चीज से लगा रहे हो आप ये? सोने से? नहीं, पहले नीचे अस्तर लगाया है, उसके बाद में ये रेस्टिक हो गया है इससे, गिरमाले से। अच्छा, इससे ये करो, पूरी दीवार में यही होगा जी। तो इसमें अभी किस चीज के लिए करा जा रहा है कि इसमें सीलन उगरा या बारिश? सीलन वगैरह बिल्कुल नहीं आती है। अच्छा, बिल्कुल नहीं आएगी? ये देखिए पत्थर बन जाता है। अच्छा, एकदम पत्थर बन जाता है, कड़क? जी बिल्कुल पत्थर। और इसमें जो थोड़े थोड़े रेसे रेसे कर रहे हो? हाँ, ये इससे गिरमाले से कर रहे हैं। अच्छा, वो किसके लिए कर रहे हो ये रेसे? ये डिजाइन के लिए वैसे ही। अच्छा, इसमें अभी पेंटिंग भी होगी? जी कलर चीज की पेंटिंग होगी, उत्तराखंड कल्चर जी। हाँ, ये उसमें एपेक्स होगा। एपेक्स होगा, चलो ठीक है। अभी कितना बचा है आपका? अभी तो 7-8 दिन लगेंगे। अच्छा, ये पूरे में ही जी? चलो धन्यवाद सर आपका। तो भाई आपने सुना हुआ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए बाद में इसमें सुंदर यहाँ पर उत्तराखंड की जो कुमाऊं की संस्कृति है वो झलकाई जाएगी। और पीछे बन रहा है यहाँ पर महिला हॉस्पिटल, वो आपको मैंने पहले दिखाया था, अब भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर काका जी हैं, फिर हाल भी यहाँ पर काका जी बने हुए हैं और ये पेड़ भी यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए महिला हॉस्पिटल ना लगभग इतना बन गया है। ये देखो पीछे तक ग्राउंड फ्लोर बन गया है, फर्स्ट फ्लोर बन गया है, बेसमेंट इसका बन गया है और यहाँ से आगे को और भी काम चल रहा है। ये देखो पूरा यहाँ से काम हो रहा है अभी, और यहाँ से तोड़फोड़ का काम भी यहाँ पर लगभग चल रहा है। तो अभी हमारे यहाँ पर पीआरडी के जवान मिले हैं जो हल्द्वानी के महिला चिकित्सालय के गेट पे काम करते हैं। ये भी हमारा वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कह रहे हैं। तो इनसे जरा बाइट ले लेते हैं, पूछ लेते हैं इनका नाम वगैरह। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नाम सर? सर बालकृष्ण आर्या। सर कब से देखते हैं वीडियो? सर अभी 2-3 महीने से देख रहे हैं सर। मजा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर, बहुत गलती हो रही है क्या? नहीं सर, कोई गलती नहीं सर। अच्छा अच्छा, तो मजा आता है पूरा? बहुत पूरा पूरा वीडियो देखते हो? हाँ सर, पूरा वीडियो देखते हैं सर, क्योंकि बहुत हमें सब जगह पता चल जाता है हमें कहाँ पर क्या हो रहा है। जब से ये अतिक्रमण का चल रहा है आपका ये। अच्छा, तो ड्यूटी कैसे चल रही? ड्यूटी सर बहुत बढ़िया, सब बढ़िया हो रहा है। हाँ सब बढ़िया, दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ड्यूटी अच्छी चले और आप वीडियो देखते रहे, हमें सपोर्ट करते रहे, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ महिला हॉस्पिटल की छत पे। आप ये देख रहे होंगे यहाँ से लगभग रास्ता साफ हो गया है। इधर साइड को आप देख रहे होंगे काला डूंगे चौराहा है, ये देखिए कालूचित मंदिर के ठीक बगल से ये हॉस्पिटल चालू होता है। काफी लंबा चौड़ा है, नया भी अभी यहाँ पर लगभग बन रहा है। ये गेट लगभग अभी अतिक्रमण की जद में जो आ रहा है अभी लगभग तोड़ा नहीं है। बिजली के पोल लगभग अभी यहाँ शिफ्ट हुए नहीं है। ट्रैफिक लगभग यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में है और इसके छत का जो ऊपर का जो भाग है इधर का भी ये भी टूटना है जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। मैं इधर से जरा दिखा देता हूँ आपको ये भाग भी अभी यहाँ पर लगभग इतना यहाँ से लगभग जाना है आगे तक। फिर हाल यहाँ पर इतना ये काम चल रहा है, आपको मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, अब भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये इतना ही जाना है जितना आपको यहाँ से दिख रहा है। ये देखो ये कट मारा है, यहाँ से इतना जाना है, तो यहाँ से लेके आगे तक जाना है। वो देखिए लुधियाना हौजरी भी लगभग लगभग इतना टूटा है, वो देख रहे होंगे आप। अंदर उनका भी काम चल रहा है, इधर साइड को दीवार लग गई, तो आगे का भाग ध्वस्त करेंगे, टाइम लगेगा उसमें। देखो ऊपर भी तोड़ रखा है उन्होंने और ये नीचे हो रहा है यहाँ पर काम, उसको ना मैनुअली यहाँ पर लगभग तोड़ा जा रहा है। ये देखिए काफी नुकसान ही समझेंगे, लाखों का एक लगभग नुकसान है, क्योंकि टाइल उगड़ा है और दरवाजे हैं, ये है नुकसान होता ही है, ईटे हैं, सीमेंट है, लोहा है, काफी नुकसान होता है। अभी यहाँ पर ये देखो ये तोड़ रहे हैं भैया, ये देख रहे हैं आप, चल रहा है काम यहाँ पर। इन्होंने लगभग यहाँ का ना पूरा साफ कर दिया, अभी 1-2 दिन में ना यहाँ पर दीवार लगनी है, दीवार लगना चालू हो जाएगा। हमारे जो ठेकेदार भाई थे, दानिश भाई हमारे यहाँ के ठेकेदार थे, तो उन्होंने हमको ऑफ कैमरा ये बताया कि अब हम यहाँ पर 1-8 दिन में यहाँ पर दीवार लगाएंगे, दीवार लगाना चालू करेंगे, बाउंड्री बनाएंगे इसकी यहाँ से,
यहाँ से पूरी बाउंड्री बनाएंगे तो ये भाग पूरा खुला हो जाएगा, जहाँ ये आप लोग चल रहे हैं खुला हो जाएगा। देखो हैमर लगाया, देख रहे हो आप, देखो ये अवैध पार्किंग जैसे जगह हुई ऐसे अवैध पार्किंग होगी यहाँ पर, वहां भी चल रहा है काम। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, देखो ये है मंगल पड़ाव, कितना ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, पूरा भरा पड़ा है। दिवाली लगभग समाप्त हो गई है, उसके बाद भी यहाँ पर ना ऐसे ही है जैसे पहले था। ये आसपास का क्षेत्र, और एक चीज और दिखा देता हूँ आपको मैं यहीं से, ये देखिए एक ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी लगभग अतिक्रमण की जद में आ रही है। हैप्पी होम होटल लगभग आप सामने देख पा रहे होंगे, वो लगभग काम चल रहा है। बम्बई क्रोकरी भी आगे है, उसका भी काम चल रहा है। अब आगे लिए चलता हूँ आपको, नीचे से दिखाते हैं आपको यहाँ का क्या चल रहा है आजकल। अब हम नीचे को आगे हैं, यहाँ पर चलने में काफी दिक्कत हो रही है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर ईटा वगैरह सीमेंट वगैरह लगभग पड़ा हुआ है और यहाँ पर काम लगभग चल रहा है। ये देखो भाई साहब यहाँ पर तोड़ रहे हैं, यहाँ तक लगभग ये ना तोड़ने वाले हैं गेट को पूरा। इससे काफी है, कभी इधर भी आ सकता है पत्थर। ये पूरा लगभग मैदान साफ हो गया, ऊपर से भी दिखाया था मैं, नीचे भी दिखा रहा हूँ, पूरा साफ हो गया। देखो पूरा लगभग क्लियर हो गया है, हैमर चल रहा है यहाँ पर, हैमर चल रहा है लगभग, ये भूभाग पूरा लगभग यहाँ पर क्लियर हो गया है। नीचे से धरातल से दिखा रहा हूँ कि यहाँ किस तरह से प्रगति पे है काम। अब दिवाली खत्म होगी तो बहुत जोर शोर से फटाफट काम चलेगा यहाँ पर, लेट लाट का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। देखो इनका भी लगभग काफी नुकसान हो रहा है नीचे तक, ये देखो अभी तक। बम्बई क्रोकरी भी दिखा देता हूँ आपको मैं थोड़ा सा, ये देखो नीचे का अभी लगभग शिफ्टिंग चल रहा है, अभी दुकान सजी पड़ी है। और ये देखो हैप्पी होम होटल ही है, आसपास का एरिया देखो काफी ट्रैफिक यहाँ पर है, डबल काम चल रहा है यहाँ पर, यहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है। यहाँ लगभग थोड़ा प्लास्टर लगभग कर दिया है, लेकिन नीचे का भी टूटना है क्या, कितना टूटना है इसको, यहाँ से लेकर आगे तक जाना, जहाँ ये प्लास्टर करा है। अच्छा यहाँ से पूरा आगे तक तोड़ना है, पूरा आगे तक। कितने दिन में टूट जाएगा ये काफी दिन रहना चाहिए, प्लास्टर हो गया, ऊपर का हो रहा है, पहले इधर की आड़ हो रही है, बाकी फिर टूट जाएगा, मतलब एक महीना लगभग लगेगा। जी हाँ, सामान बच रहा है, नहीं बच रहा है, सामान तो बच रहा है अंदर में। हाँ हाँ, यहाँ भी आप ही का है ठेका, ये नहीं, ये अलग है, ये अलग है। अच्छा चलो ठीक है, कैसा हो रहा है अभी काम? काम तो माशाल्लाह सही है अभी तो। चलो बढ़िया है, देखो यहाँ पर ना ये देखे कांच भी ना ऐसे पत्थर से नुकसान हो ही जाता है यार, ये देख रहा कांच टूट जाते हैं, क्योंकि अच्छे कांच है, महंगे रहते हैं कांच, हो ही जाता है नुकसान, बचाने की कोशिश कर रहे हैं मगर बच नहीं पा रहा है। भीड़ काफी है, लोगों को चलने में ना यहाँ पर दिक्कतें हो ही रही है अभी, मगर कुछ दिन के बाद ना आपको ये दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ यह आप ही के लिए, आपके लिए ही इसको बनाया जा रहा है, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, और आप ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे इसके लिए इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। देखो हमारे मजदूर लगभग काम कर रहे हैं लगातार, देखो लाइव कार्रवाई दिखा रहा हूँ, अतिक्रमण हटाओ के तहत यहाँ पर हल्द्वानी से, ये देखो ये देखो इसको घन से तोड़ा जा रहा है, ऐसा मैन्युअली मैन्युअली इसको तोड़ेंगे तो ये बचेगा। ज्यादा जोर से भी नहीं करना है क्या, कि नीचे पब्लिक भी चल रही है, पैदल चलने के लिए यहाँ पर दिक्कत है। गाइस वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। आज मैंने आपको यहाँ पर महिला हॉस्पिटल का जो गेट था उसकी जो पेंटिंग हो रही थी लगभग वो बताया, किस तरह से यहाँ पर पेंटिंग हो रही है और कितना लगभग यहाँ पर काम हो गया है। दिवाली लगभग समाप्त हो गई है, दिवाली के बाद यहाँ पर जोर शोर से यहाँ पर काम चलना है और चल भी रहा है, रोड चौड़ा हो रहा है, और हमारे पीआरडी के जवान भी यहाँ पर मिले, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ऐसा कह रहे हैं वो। और फिर हाल यहाँ की इस तरह की अपडेट थी, अब आगे आने वाले समय में यहाँ पर किस तरीके का रहता है और कितनी जल्दी यह रोड चौड़ी होती है, कितनी जल्दी यह काम होता है, वो भी हम आपको समय समय से यहाँ से मार्केट से बताते हुए आएंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में अगर आप नए हो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।
अगर कोई गलती हो तो माफ करिएगा, मिस्टेक हो ही जाती है। तो आपको समय समय से अपडेट में यहाँ से देता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहना मेरे चैनल में।